तो दोस्तों अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये गाड़ी के अंदर प्लग किया, गाड़ी को ऑन किया, तो यहाँ पे ये जो है 00 आ गया और यहाँ पे इसका जो है एयर कंप्रेसर का बटन है और यहाँ पे इसका फ्लैश लाइट का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों आज आपके शरीफ भाई आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी दिन से आपके लिए वीडियो भी नहीं आ पा रही थी, तो आज आपके लिए थोड़ी सी एक अलग सी वीडियो लेके आया हूँ जो कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी ने स्पॉन्सर्ड नहीं किया है। जस्ट ऐसे ही कि कुछ कॉन्टेंट आपको पता ही है, ज़्यादा है नहीं, तो आपके लिए कुछ अलग सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आया हूँ। तो आज की जो वीडियो दोस्तों स्पेशली होने वाली है, यहाँ पे आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे पोर्टेबल एयर पंप। तो गाड़ी की अगर हवा उसकी निकल गई या पंचर हो जाती है किसी वजह से, अगर ट्यूबलेस टायर है पंचर हो जाएगी तो थोड़ा बहुत तो कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर गाड़ी की आपको कहीं पर भी, जैसे हाईवे पर हो कहीं पर, आपको पंचर की दुकान नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर दोस्तों ये आपको हेल्प करने वाला है पोर्टेबल जो एयर पंप है। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी डिटेल्स, जो कि मैंने ये अमेजोन से अपने लिए किया था और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी उसका फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा अमेजोन का, जहां से आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये है वो दोस्तों एयर पंप जो कि ये पोर्टेबल एयर पंप है, 150 PSI इसका मॉडल नंबर है और यहां पे दोस्तों अमेजोन बेसिक, अमेजोन की तरफ से ये जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन की तरफ से ही है, इसकी ब्रांडिंग भी इसके ऊपर हो रखी है। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि दिखने में कैसा है। तो यहाँ पर जो बताऊँगा, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो बटन आ रहा है यह देख सकते हो, कंप्रेसर का बटन है जो कि यहाँ पर ऑन ऑफ करने का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आप एक छोटी सी डिस्प्ले देख सकते हो जिसमें कि सेट दे रखा है और एरो डाउन और अप के बटन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे दोस्तों क्या होता है कि जैसे अगर आपको गाड़ी जब आपको हवा भरना है तो उसका एक प्रेशर आप सेट कर सकते हो। जैसे नॉर्मली हम इंडिया के अंदर PSI यूज़ करते हैं, तो PSI दोस्तों उसके हिसाब से जैसे 33 या 32 की हवा हम अपनी गाड़ी के टायरों में रखते हैं, उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। अगर आप इसे टू व्हीलर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप टू व्हीलर के साथ यूज़ करते हो तो इसका जो प्रेशर है वो आप कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से सेट कर सकते हो इसको। और बात करते हैं इसके दूसरे फीचर के बारे में, जो कि है दोस्तों यहाँ पे फ्लैश लाइट, जो कि आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे इसमें फ्लैश लाइट लगी हुई है। जैसे आप कभी इसे अंधेरे में यूज़ कर रहे हो तो आप रात में आराम से इसकी लाइट को ऑन कर सकते हो और उसके बाद में आप इसके नोज़ल को लगा सकते हो गाड़ी के टायर के अंदर। तो यहाँ पे इसके कुछ थोड़े से फीचर हो गए फ्रंट साइड में। अब इसके राइट साइड में हम चलते हैं, तो राइट साइड में इसका नोज़ल पंप है दोस्तों, ये तरह इस तरह से इसमें फिट होता है। तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये करीब 1.5 से 2 मीटर लंबा इसका वायर है जो कि इसमें नोज़ल पंप होता है, इसको हम गाड़ी के टायर पे लगा देंगे और उससे हवा भर सकते हैं। अब मेन चीज़ दोस्तों इसकी आती है बात की कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके अंदर दोस्तों 12 वोल्ट का यहाँ पे इसमें जो है पावर के लिए होता है, जिसमें कि आपको गाड़ी का जो लाइटर वाला स्लॉट होता है गाड़ी के अंदर, वहाँ पर आप इसे प्लग करोगे। और सबसे अच्छी जो चीज़ है इसके अंदर वो दोस्तों इसकी वायर, आप देखोगे ना ये जो इसकी प्लग वायर है, जिसको आप आराम से मतलब गाड़ी के अंदर लगा के और चारों तरफ चारों टायरों में आराम से हवा भर सकते हो। इतनी लेंथ है इसकी, देख सकते हो आप, काफ़ी लंबा है ये। और इसमें जो मेन है यहाँ पे ये जो प्लग होता है जो कि लाइटर प्लग के अंदर लगेगा जाके, देन उसके बाद इसे रख के और नोज़ल के थ्रू हम इसे रख के हवा भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक मतलब नॉर्मल जैसे अब हम लोग ड्राइव करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग रूट पे भी जाते हैं तो कभी कभी ऐसा सीन हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था नोएडा एक्सप्रेस हाईवे से, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि चलते हुए गाड़ी में मतलब हवा ख़त्म हो गई टायर के अंदर, मतलब पंचर हो गया जो भी है, ट्यूबलेस टायर था तो उतना ज़्यादा पता नहीं लगा फिर भी। लेकिन यह है कि दोस्तों ऐसी सिचुएशन थी कि गाड़ी लोड थी पूरी, डिक्की में भी सामान था और फैमिली के लोग भी थे गाड़ी के अंदर। अब सोचो कि हाईवे रोड पे अगर, या तो आप फ़ोन करके किसी को बुला सकते हो, लेकिन अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है तो अब आपको उस टाइम में ये चीज़ हेल्प कर सकती है, जैसे कि मुझे उस दिन हेल्प की थी इसने। तो दोस्तों सिंपली मैंने गाड़ी से इसे निकाला और अपना गाड़ी का जो एक टायर की हवा कम थी आराम से हवा भरा दी और आगे जाके फिर चेक करवा लिया, उसमें पंचर वंचर जो था तो वो सब क्लियर हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, तो आप भी इसे यूज़ करके इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब दोस्तों आपको बताता हूँ इस गाड़ी पे थोड़ा सा लगा के आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। अभी तक तो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली इसको दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है।
तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि ये जो जो एयर पंप है इसको पोर्टेबल एयर पंप को गाड़ी में यूज़ कैसे करते हैं। तो ये अपनी गाड़ी है दोस्तों आपके शरीफ भाई की, तो अंदर चल के अब आपको दिखाता हूँ और भाई से बोलूँगा थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाएँ। तो दोस्तों जैसे ये गाड़ी के अंदर लाइटर का प्लग होता है ये वाला, आपको इसके अंदर इसे प्लग कर देना है और गाड़ी को ऑन कर लेना है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये गाड़ी के अंदर प्लग किया, गाड़ी को ऑन किया, तो यहाँ पे ये जो है 00 आ गया और यहाँ पे इसका जो है एयर कंप्रेसर का बटन है और यहाँ पे इसका फ्लैश लाइट का। पहले आपको फ्लैश लाइट दिखा देता हूँ, जैसे ही आप देखोगे यहाँ से ऑन करी फ्लैश तो इसमें देखो लाइट ऑन हो जाएगी जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर। और इसमें जैसे नॉर्मली अंधेरा होता है तो वहाँ पर भी आपको पूरा उजाला नज़र आएगा इससे। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो आप सेट कर सकते हो, जैसे ही ऑन करेंगे दोस्तों इसमें थोड़ी सी आवाज़ आपको पता लगेगी, देखो तो ये दोस्तों जैसे इसके कंप्रेसर ऑन होने की आवाज आएगी। अब मैं आपको गाड़ी के उसमें लगा के दिखाता हूँ इसको कि कैसे इसका यूज होगा। ये दोस्तों ये नोजल है इसकी, देख सकते हो ये री। तो इस नोजल को अब हमें टायर में जो है इसका लगाना है, यहाँ पे बाल बोटी के अंदर इसको नीचे रख दो और इसको थोड़ा सा, अब जैसे ये टाइट हो जाता है प्रॉपर इसको टाइट करके रख देना है। और अब यहाँ देख सकते हो आप, ये मैं भाई को बोलूँगा थोड़ा जूम करेंगे, अब यहाँ पे दिखा रहा है 31.5 यानी कि 31.5 PSI। ये देखो यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है PSI, इसके अंदर अभी 31.5 की हवा है। अब हमें इसे बढ़ाना है तो सेट हमने पहले से ऑलरेडी कर रखा है इसको, जैसे ही हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी हवा जो है बढ़ेगी। एक चीज़ दोस्तों आपने नोटिस की होगी कि ये जो कंप्रेसर है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है, जबकि अभी भी ऑन है क्योंकि इसकी 33 जो हवा है वो हमने सेट की हुई है और वो ऑटोमेटिक इसमें कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है, जो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी हमारी हवा इस टायर के अंदर परफेक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ में ये काफ़ी मतलब यूज़फुल चीज़ है, अगर आपको लेना है तो आप अपनी गाड़ी के लिए परचेज इसे कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी यूज़ है। नॉर्मली इसको जो सेट बटन है उससे सेट करना है और यहाँ से कंप्रेसर ऑन करके इसका यहाँ पे जो नोजल है उसको लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसका अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि गाड़ी के टायर में इसकी हवा कैसे भर सकते हैं इस पोर्टेबल एयर पंप से, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है जो कि मैंने जैसे मैंने आपको बताया था इसकी डिटेल्स के बारे में, सिंपल यूज़ है, आप कैसे भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए कोई ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ सेट का बटन है और इसके जो है अप डाउन एरो हैं जिससे कि हवा को आप प्रेशर को इसके सेट कर सकते हो। और नॉर्मली दोस्तों इसका जो है काफ़ी अच्छा यूज़ है। प्राइस की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि 2000 या 2100 के आसपास इसका प्राइस है, जो कि आप अमेजोन से परचेज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली इसे ले सकते हो। और स्क्रीन पे इसकी आपको डिटेल भी दिख जाएगी कि इसका मॉडल नंबर वगैरह क्या है, वो आप देख के इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज आपके शरीफ भाई आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए थे, छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो ऐसी ही दोस्तों एक और अच्छी वीडियो में आपके साथ जल्दी से मिलता हूँ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।